Anand? Anand, bete. कहाँ जा रहे हो बेटे? Anand, stop! Anand! Anand, stop! Anand! कुमार साहब, आप चुप क्यों हैं? क्या आपको रोशनी दिखाई दे रही है? Please forgive me. Anand, answer my question. क्या आपको रोशनी दिखाई दे रही है? I can't see the light and I don't want to. Okay? Would you please leave me alone? I'm really sorry. You just can't see anything. Anand has just turned blind. Oh God. मगर हैरत की बात यह है कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं. लेकिन डॉक्टर, अभी तो आपने कहा कि His eyes are fine, but that doesn't mean he can see. उसका ये अंधापन उसका मानसिक रोग है. You mean it's a psychological problem? ये कोई जिस्मानी मर्ज नहीं है. वो इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि वो देखना नहीं चाहता. पहले साइकोलॉजिस्ट से इलाज कराइए. बाकी सब आनंद पर डिपेंड करता है कि वो खुद के लिए क्या चाहते हैं. देखिए, आप हिम्मत ना हारें. देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली तो नहीं देना चाहता. आनंद का ठीक होना नामुमकिन तो नहीं, मगर हाँ, एक चमत्कार से कम भी नहीं होगा. मैंने चमत्कार होते देखे हैं डॉक्टर. वेल देन, मैं चाहूँगा कि एक दिन कुमार साहब के बारे में भी आपकी यही राय रहे. मुंशी जी, अरे सबरियाँ ने जादू डारा, अरे सबरियाँ ने जादू डारा.
तुम्हारी मदद करने आई हूँ। I don't need a private nurse. And can a man not have his privacy around a private nurse? फिकर ना करें, मैंने कुछ नहीं देखा। Really? तो इस कमरे में अंधा कौन है? मैं? या? ले जाइए यहाँ से, मुझे किसी नर्स की ज़रूरत नहीं है। Out! मुंशी जी! Get out! Out! मुंशी जी! क्या हुआ? क्या हुआ? मुंशी जी, कौन है ये? और इसकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे कमरे में यूं ही चली आई? हाँ? बेटे वो क्या? What? वो गलती हो गई, अगली बार दस्तक देके आएगी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और खास तौर के किसी औरत की। ओके, आप समझ गए ना मुंशी जी? सुन लिया आपने? आनंद बेटे वो मुंशी जी आपने सुन लिया ना? हाँ सुन भी लिया और समझ भी लिया, कह दूंगा उससे बस। जी मेहरबानी। और कुछ? नहीं बस इतना ही। अरे हाँ मुंशी जी, वो मेरे लिए किसी का फोन तो नहीं आया था? नहीं तो were you expecting a call? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। अपसेट है, चलो तुम भी आराम कर लो, इतना लंबा सफर किया है तुमने। ठीक है मुंशी जी, कोई बात नहीं, अब ना सही पर आदत डाल ले वो मेरी, क्योंकि अब मुझे यहाँ रोज ही आना है जब तक उसे सब साफ न दिखने लगे। साफ न दिखने लगे? मन की आंखों से भी।
उसकी तकलीफ अब मुझसे देखी नहीं जाती, डर भी लगता है। उसकी हर तकलीफ दूर करने आई हूं मुंशी जी। अब तो हर उम्मीद तुम्हें से है। अब तक तो उठ गए होंगे जनाब। और हाँ, इस बार दस्तक देके जरूर जाऊंगी। तुम्हारा ये काम इतनी आसानी से नहीं होगा बेटा। पर तुम्हें देख के लगता है तुम इतनी आसानी से हार भी नहीं मानती। दुआ करूंगा कि तुम्हें इसका पूरा सिला मिले। आनंद की आंखों की रोशनी लौट आए, बस वही होगा मेरा सिला। आपकी खुशबू मेरी सांसों में बसी थी और आपकी लिपस्टिक मेरे चेहरे पे। तो अगली बार अपनी जिंदगी जाया करने से पहले एक चिट्ठी छोड़ देना, हमें फिर टॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बेहतर होता, वो सब अगर चेक करता या फिर मुंशी जी? अब इन कामों में आपसे बेहतर और कौन हो सकता है? कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो मजबूरन किए जाते हैं। क्यों आई हो यहाँ और क्या दिलचस्पी है तुम्हें मुझमें? हाँ, ये दिलचस्प मौका है तुम्हें शर्मिंदा करने का। तुम मुझे शर्मिंदा करोगी? शायद तुम मुझे अच्छी तरह भी जानती नहीं। शैतान भी मुझसे शर्मिंदा है। जो अपने वजूद का जिम्मेदार नहीं, उसे अपनी हस्ती मिटाने का इख्तियार नहीं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वरना व्हाट मिस्टर कुमार, डराएंगे आप हमें अपनी बुजदिली के हवाले से? आई एम नॉट अ कॉवर्ड। जानती कितना हूं तुम मुझे? तो फिर पहचान कराइए आप अपनी, मिलाइए मुझे अपने आप से। Just go! I said go! मेरी मदद करने में तुम्हें कोई फायदा नहीं है। I think you've had enough of fun for the day. अब घर लौटना जरूरी है। मुंशी जी has changed my home. जानती हूँ तुम अब हाउस ऑफ लव में रहते हो। हाउस ऑफ लव। डैड बॉट दिस हाउस व्हेन ही फेल इन लव विद माय मॉम। बाहर गार्डन में पत्थर पे जो पोएट्री लिखी है, डैड ने मॉम की मोहब्बत में लिखी थी। डैड बहुत रोमांटिक थे एंड मॉम वाज ब्यूटीफुल। उनके गुजरने के बाद मॉम कभी यहां नहीं आई। और तुम्हें एक परफेक्ट स्पॉट मिल गया अपनी गर्लफ्रेंड्स को लाने के लिए।
मेरे लिए ये घर एक पवित्र जगह है, समझी तुम? यहां मॉम के अलावा कभी कोई दूसरी औरत नहीं आई, अब सिर्फ तुम आई हो। Killed that man just for your cheap thrill. Could have, but did not. अगर वो मर जाता? अगर चांद पीला होता, उससे रिच सफेद, but अफसोस ऐसा कहाँ? What are you whining about? Listen, hey. अगर उसे कुछ हो जाता, तो उसकी बड़ी कीमत चुका दी जाती. Really? तो क्या मोल लगाते हैं आप एक ज़िंदगी का? कहो तो इस टेबल पर धड़ा लग कर दूँ आपके इस चूजे का? थैंक यू लॉर्ड. वो देखिए, वो सीआईडी वाले आपकी गाड़ी में जा गए. अरे तो अंदर आ रहे. वेरी नाइस. मैं आता हूं सारा. भूत उधर क्या सारा? व्हाट इज साइड विद यू? आर यू फाइन? प्लीज मुझसे कुछ भी करवा ले, कुछ भी ले ले. Hey, look, don't push it, all right? और इस कबूतर का क्या करना है? उसकी बार-बार तुम मत करो. Just worry about me, all right? मेरे इशारे का इंतजार करना. Okay, thank you, my friend. Thank you very much. Take care. Officers! Is everything all right? Yeah, that's our routine. Oh, okay, okay. Yeah. Okay, that's all. भूल तो नहीं रही आप? कितने लगेंगे? अब आप जितने लगाएंगे उतने लगेंगे. और क्या लगाने की बात कर रही हो? थोड़ा दिल लगाइए, बाद में जहर चखाइए, फिर जाइए. माही ना डाले आपको मेरे ये जहर. जन्नत नसीब होती है मरने के बाद. बड़ा लंबा सफर है जन्नत का, तो कुछ खाते हुए जाइए. रू निकलने को बेकरार आ रहा है कातिल. मुझे किस बात का इंतजार है? मुंह लगाना, फिर मुंह लगाना मुझे. यू मेक इट दैट इजीली. आई डोंट. अरे सुनो तो. अरे निशा, तुम तो बुरा मान गई यार. तुम रो रही हो?
मुझे लगता है तुम तो गई काम से। तो ये लगता है तुम गए काम से। गाड़ी वाला भी हमारे साथ मर जाएगा, फिर और भी मजा आएगा। चलो, रुक क्यों गए आनंद? चलो यहाँ से। नहीं, मरना है तो आज यहाँ इसी वक्त और साथ मरेंगे। चलो यहाँ से, बस हो गया। No आनंद, if you're so adamant about killing yourself, then let's just do it together. तुम्हें क्या दर्द है? सभी को दर्द है आनंद, और सबको अपना ही दर्द ज्यादा दिखता है, पर सिर्फ बुजदिल खुदकुशी करते हैं। Let's go now. पहले वादा करो कि फिर से ये बुजदिली की हरकतें नहीं करोगे। I hate you. That's not my answer. मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। Thank you.
कहाँ भटक रहे हैं हम? क्यों? मजा नहीं आ रहा साथ भटकने में? औरतों के लिए हर सवाल का जवाब एक सवाल क्यों होता है? We're going to the beach. Why? बहारों के इस मौसम का मजा उठाने. जानते हो आनंद, ये जगह कितनी खूबसूरत है. बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं इस जगह को. बीच पार्क है ये, यहाँ मैं लिखने आया करता था. कोई ऐसी चीज यहाँ जिसे तुम नहीं जानते? हाँ, सिर्फ उस लड़की को नहीं जानता जो इस वक्त मेरे साथ बैठी है. क्यों जानना चाहोगे उसे? Another question. फिर से लिखना चाहोगे? Never. क्यों नहीं? इतना हुस्न है इस पूरे जहां में, लेकिन फिर भी उस हुस्न को सही तरीके से कोई भी अपने अल्फाजों में कैद नहीं कर पाया. चंद प्यार भरे अल्फाजों की कैद में महफूज है ये हुस्न. न प्यार पे इख्तियार, न ही प्यार करने वाले पे, फिर ऐसी कैद से क्या फायदा? वक्त की बर्बादी और कुछ नहीं. Nobby, check her out. Think I just got bowled over, mate. Anand. Yeah, she's a depot of six anyway. Anand, Anand. Well, seriously, man, what a waste with that blind muppet. Hey, watch out! Anand? Such a shame. She should be with us instead. Just let off. At least we can see, bud. At least we can see. Just... We'd appreciate her beauty. Just leave him alone. Look at this lad. Do you want to give us a go for it, eh? Somebody help! Anders, did you see his dad? Aren't you having a go for it? Reckon you stand a chance, do you? Anders, leave him alone, yeah? I'll go to go. Anders, Anders, look off! Let's have a go. Anand, 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 my help! Okay. चले गए. चलो उनकी शिकायत करनी, चलो. क्या फायदा आनंद, क्या फायदा? किया ही क्या है उन्होंने? तुम्हें जलील किया उन्होंने? जलील? खूबसूरत है तो कहा है, और कहा है कि मैं किसी बेहतर इंसान के साथ होती. हर इंसान सोचता है कि वो बेहतर है. वैसे तुम भी बुरे नहीं, पर अंधे हो, पर वो भी हमेशा के लिए थोड़ी. जब ठीक हो जाओ तब ले लेना बदला. आनंद, 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 आनंद. I don't need your help. I was not trying to help. Good. वैसे क्या ढूंढ रहे हो? पजामा तो टेबल पे है. आज मैं पूरे दिन अपने कमरे में बिना पजामे के घूमूंगा, तुम क्या कर लोगी? How exciting. Gee, you're so cheap. Disgusting. You said it. अंधे पर रहम खा रही हो? हाँ. Temporary अंधे पर. तुम मेरे गुलाम नहीं हो जो दिन भर मेरे साथ चिपके रहते हो, समझी तुम? कुमार साहब, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करती हूँ, अपना काम समझकर. ना कोई एहसान, ना कोई तरस. कितने पैसे मिलते तुम्हें? तुम बताओ, मैं दुगने दूंगा तुम्हें. और इसके बदले में मुझे ऐसा क्या खास? ची 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 ची. What about loyalty? सिर्फ money. हाँ. Get out.
कुमार साहब, आप मेरे मालिक नहीं, आपकी तो सिर्फ गुजारिश चलेगी। ऑलराइट मैम, कुड यू प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज 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 जस्ट गो गो, या ओके जस्ट गो, कहीं से भी जाओ, खिड़की से जाओ, बाथरूम से जाओ, दरवाजे से जाओ, जस्ट गो, लीव मी अलोन प्लीज, जस्ट गो गो। बचकानी हरकतें करना बंद करो, तुम्हारे करीब होने का एहसास हो जाता है मुझे। कैसे? तुम्हारी खुशबू से। पर मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई। शायद ये फिर तुम्हारे बदन की खुशबू होगी। इस छोटी सी नाक से बड़े बड़े काम ले लेते हैं जनाब। Killing me. I need a foot massage. Lao, tumhare pair dhoa deta. Are you serious? Of course I'm serious, Lao. वैसे मेरी मालिश के चर्चे बैंकॉक तक मशहूर हैं। Really? Really. अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि मालिश का जो असली मजा होता है ना, वो मालिश करने वाले को आता है। लगता है कि ऐसे मामूली कामों में तुम खूब माहिर हो। वैसे मैं अपने बड़े कामों का जिक्र सिर्फ बड़े-बड़े लोगों से करता हूं। मालिश करवानी तो मुंह बंद रखो। Oh. क्या बड़ी दिल फेंको? ये कैसे जान लिया? फुटिस्ट्री। हाँ। Now what is that exactly? फार्मेसी नहीं होती, वैसे फुटिस्ट्री। पता चल जाता है कि पैर कहाँ कहाँ डगमगाए। My God, I feel so exposed. तुम्हारी फुटिस्ट्री तो फेसबुक से भी ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक है? Very funny. Oh my God. Now what? इतनी भूख, तुम तो मैं नहीं डरो यार। I can explain. सुना के मारोगे, सुनो। अच्छा, दो सुनो। मेरा पहला, मेरा एक्स जिम इंस्ट्रक्टर था। थोड़ा चला, फिर मेरा एक्सीडेंट होते ही खत्म हो गया। एक्सीडेंट होते ही जिम इंस्ट्रक्टर खत्म हो गया? जिम इंस्ट्रक्टर नहीं, हमारा इश्क खत्म हो गया। मेरी हिंदी अच्छी है ना? हिंदी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी नहीं, तुम्हारे तो पैर अच्छे। Okay. फिर दिल आया। फिर दिल नहीं आया, तुम्हारा दिल आया। हाँ वही वही, मेरा दिल आया एक इंस्पेक्टर पर। हे भगवान, दिल है कि भटकती आत्मा। अब तुम यही सोचोगे कि मुझे इंस्पेक्टर कहाँ मिला? नहीं नहीं, मैं क्यों सोचूंगा? I'm sure इस शहर की आधे से ज्यादा पुलिस तो आप ही के पीछे होगी। ओए, मजाक नहीं। जो मेरा एक्सीडेंट रिपोर्ट लिख रहा था ये वो था। ये किस्सा तो ले डूबा। डूबा? हाँ, वो डूबा, मैं डूबी। उसे स्कूबा डाइविंग का बड़ा शौक था, मैं उसके साथ पानी में डूबती थी, फिर मैं बीमार हो गई। तो मतलब डॉक्टर भी इस कहानी में? डॉक्टर भी खत्म हो गया, पर किस्सा अभी बाकी है। हाँ, तो डॉक्टर के बाद अचानक एक दिन मुझे घोड़सवारी का शौक था। अनंत, बाय द वे, अगर तुम जैसा अच्छा हैंडसम देसी पहला मिला होता तो इधर उधर नहीं भटकती। अच्छा, तो इसमें भी मेरी गलती, मत पड़ो मेरे चक्कर में, घूमती रह जाओगे। चक्कर नहीं, तुम्हारा इश्क मार रहा है मुझे। तुम क्या जानो इश्क और चक्कर का फर्क? Love is when happy becomes happier. Beautiful becomes magical, and the best becomes possible. I feel all of those things with you, and I've never felt like that before.
फिर क्या इरादा है? थोड़ा साथ जाएंगे, फिर साथ मरने का इरादा। आओ 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 आओ, कहाँ थे? निकल जाएगा मॉम, ये सुनने में काम आता है, निकल जाएगा। इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए और ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? मॉम, मैं आपकी रिपोर्ट करा दूंगा। किस जुर्म में? चाइल्ड अब्यूज, बच्चे पे अत्याचार। बाय द वे, अब तुम बच्चे नहीं रहे। एग्जैक्टली तो फिर आप अभी तक मेरे कान क्यों खींचती हैं? ठहर जा, जा पुलिस के पास, हां कर मेरी कंप्लेन, पुलिस के पास जाएगा, जा पुलिस के पास। शांति निर्मला, ओके, दवाई ली थी आपने? तो फिर द लास्ट एंड फाइनल कॉल। आप कहीं नहीं जा रहे हो क्या? बेटा, एक दिन सबको जाना होता है। ठीक है, फिर मेरी भी सीट कराए आप। आनंद, अभी तो आप खुद कह रही थी ना कि सबको जाना होता है। तुम्हारे सामने खूबसूरत सी जिंदगी है, मेरा काम यहां हो गया, सिवाय एक काम की जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद मिल सकती है? एक लड़की है रोशनी, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा। मौ, मौ, मौ। मैं जिस लड़की के बारे में अभी आपसे बात करने वाला हूँ, उस लड़की के साथ मैं एक्चुअली काफी आगे बढ़ चुका हूँ। सच आनंद? अरे कौन है, मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? I just wasn't sure. किस परिवार की है? अरे उसका उसका पिता कौन है? अरे उसके पिता कौन है, मुझे क्या पता, उसकी माँ को जाकर पूछो। अरे आनंद ग्रो अप, उसके पिता कौन है, क्या करते हैं? मॉम, उसके पिता क्या करते हैं? I don't really care. I like the girl, that's all. आनंद, इन बातों से फर्क पड़ता है। I'm going. कहाँ जा रहे हो? खुश हो जाइए, ऑफिस जा रहा हूँ। एक बात बताओ, क्या वो हमारी ऑफिस में काम करती है? What? No, mom. तो फिर संडे को ऑफिस। वैसे बहाने बनाना तुम्हें भी नहीं आता, बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। माँ, बाप पे मत जाना। मॉम, वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगा, ओके? अच्छा सुनो, उस लड़की से, उसके घर वालों से जल्द मिलवाना मुझे। डोंट यू ये मी, इट बेटर बी सून। Bye, go. Anand, वो मेरी गौर एक हद इकबाल खाता है। कह रहा था कि मेरा गौरा मुझे बहुत मिस करता है। घोड़ा मिस करता है या गौरा मिस करता है? चलन हो रहे हैं। घिन आ रही है। Hey, gorgeous. Oh, hi, handsome. How are you? How are you? We like to order. Yeah, we're starving, actually. Yes, of course. I'll send someone right away. Thank you. Sorry, better hurry. See you soon. अब क्या हुआ? कुछ नहीं, भूख लग रही। पर इतनी बदतमीजी से क्यों पेश आए? और इतना नाराज क्यों हो? नाराज? अभी तुमने मुझे नाराज देखा कहाँ है? Okay, should we just change the subject? बेटा। अरे हाँ, तुम्हें जान के खुशी होगी कि मुझे वो कोड की बीमारी थी ना, वो नहीं है। कोर, लेप्रसी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कोर था। तो फिर क्या कोई खास वजह है कि आप मुझे चूमती नहीं है? Is that what this is all about? Come here and let me give you a specialty. Hey. पहले भी कह चुका हूँ, मुंह लगाना, फिर मुंह लगाना मुझे।
निशा व्हाट सब खत्म क्या खत्म ओफो एक तो तुम्हारी हिंदी ना खत्म जो हम दोनों के बीच में था ऐसे खाप कहा था मैंने तो फिर हमारे पेरेंट्स को मिलना होगा माँ बाप है ना कि आसमान से टपकी हो माँ को देखा नहीं वो दाद दिखती नहीं जिंदगी गुजारना चाहोगी मेरे साथ यही अरमान है तो बुजुर्गों की दुआओं के साथ तुम सबसे अलग हो तुम भी चलो खाना खाते हैं खाना खाएंगे लेकिन यहाँ नहीं खाएंगे क्यों बार अंदर जाएंगे तो वो चूना चाटा मैनेजर तुम्हें दोबारा चूमेगा और इस बार मैं सह नहीं पाऊंगा मुक्का मार दूंगा सबको कितने बजे का कहा था 3 बजे का इस वक्त क्या बजा है 3:30 दिस इज अ प्रॉब्लम विद अस कालास चाहे कितने भी साल वेस्ट में रह ले टाइम की पाबंदी कभी नहीं सीखेंगे मॉम वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे ना यहाँ के नहीं है क्या वो निशा यहीं पैदा हुई थी उसकी मम्मा आयरिश थी But I'm sure, बाप definitely हिंदुस्तानी होगा, right? Mom, he's a busy man, you know. Wow, Anand, अब तक शादी नहीं हुई है, और अभी से ही तरफदारी शुरू. क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं वो शायद सिग्नल नहीं है. अच्छा मुझे ये बताओ. आखिर कौन से परिवार से है I'm sure. I must be knowing him. नहीं मॉम आप नहीं जानते अरे ये कैसे मुमकिन है छोटा सा शहर है सब लोग एक दूसरे को जानते हैं I'm sure. मैं भी उसके परिवार वालों को जानती होंगी निशा विजय मल्होत्रा की बेटी है विजय मल्होत्रा लेकिन उसने तो कभी भी शादी नहीं की तो क्या हुआ मॉम अब के पहले हम उसकी शादी कराएंगे कम ऑन मॉम ही इज अ बिजी मैन उसको टाइम नहीं मिला होगा और वैसे भी अब ये सब बातें सोचकर क्या फायदा निशा को फोन लगाओ अब और कितना जलील होना है उस विजय मल्होत्रा के हाथों चलिए मॉम चलते हैं इज दिस द काइंड ऑफ गर्ल यू रियली वॉन्ट मां निशा एक ईमानदार लड़की है उसका उसके पिता के साथ क्या रिश्ता है ये उसकी प्रॉब्लम है वो किस किस्म का इंसान है ये भी उसकी प्रॉब्लम है हमें क्या लेने देना उसके साथ तुम्हारी उम्र में जिस्मानी चमक के अलावा कुछ नहीं दिखता कब से जानते हो उस लड़की को क्या चाहती हूँ रोशनी से मिलो रोशनी रोशनी कौन अच्छा आप इस रोशनी को कब से जानती हैं उसकी पैदाइश से काश रोशनी मेरी बेटी होती तो क्या चाहती हैं आप मतलब मैं रोशनी से शादी कर लूं और बहू बना के उसको घर में ले आऊं मॉम जैक प्लीज टेक मी टू द हॉस्पिटल मॉम क्या हुआ घबराओ मत आनंद परेशानी में शांत रहना सीखो मुंशी जी मॉम हॉस्पिटल में जी वही दर्द
तुम्हारी खुशियां चाहिए, तुम्हें खुश देखकर तो हंसते हंसते मौत को भी गले लगा लूंगी। मॉम, डू नॉट टॉक ऑफ डेथ, ओके? बेटा, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप इंडिया जाइए और आप मेरे लिए एक अच्छी चटपटी भोग लेके आइए, जो दिन भर आपसे झगड़ा करे और मैं बदले ले। काश, लेकिन मैं अपने समीर पर ये बोझ लेकर नहीं मर सकती कि मेरी वजह से मेरा बेटा ना खुश। नहीं मॉम, नहीं, मैंने तो फैसला कर लिया कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो आपकी पसंद। अगर आपको रोशनी पसंद तो मैं खुश हूँ। रियली? और निशा? कहाँ है निशा? होती तो नजर आती। सामने मंजिल थी मेरी और पीछे उसकी आवाज। रुकता तो सफर जाता, चलता तो बिछड़ जाता। वाह मुंशी जी, आपकी कविताएं हिदायत है मेरे लिए। आप हर तरीके से मेरे गुरु। एक गुनहगार को इतना सम्मान ना दे, मैं इस लायक नहीं हूं। बुरा तो तब होता है जब कोई वादा करता है और फिर उस वादे को तोड़ देता है। वो मेरा जाहिर गुनाह था, बातिन गुनाह तो और भी संगीन है। मुंशी जी, मैं आनंद की बात कर रही हूं। आनंद? हाँ, प्यार वो किसी और से करता है, अब शादी किसी और से करने जा रहा है। आनंद मुझसे कहीं ज्यादा समझदार है, उसका हाल मुझ जैसा कभी नहीं होगा। वैसे मुंशी जी, वो है भी आप ही की तरह जज्बाती, हमेशा अपने दिल की सुनता है। निर्मला जी, दिल से तो दिल वाले सोचते हैं। दिल का दर्द भी सबसे ज्यादा उन्हीं को होता है। गुड मॉर्निंग जैक, सॉरी आई एम लेट। इट्स ओके, लेट्स जैक, वेट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एयरपोर्ट चल रहा हूँ आपके साथ, चलिए चलिए। अजी, तुम अपनी गाड़ी में बैठो और ऑफिस जाओ। माँ, आई हैव टाइम, रियली। आनंद, कुछ ही दिनों में तुम इंडिया आ रहे हो, अगर आ रहे हो। आपको लगता है मैं नहीं आऊंगा? बेटा प्लीज, इस बार मुझे रुसवा मत करना। अपने दिल से पहले अपने मन से पूछो, अगर अपना फैसला बदलना है तो यही सही वक्त है। क्यों बदलूंगा मैं फैसला? क्योंकि तुम अब भी निशा से प्यार करते हो। माँ, मेरा यकीन करें आप, अगर इस घर में कोई बहू बन के आएगी तो वो सिर्फ रोशनी होगी। इस बार वादा तोड़ोगे नहीं? कभी नहीं। अगर वादा तोड़ा तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम। मेरा यकीन करें आप, मैं वादा बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं। तारा? हाँ? चुप क्यों? स्वेटर बुन रही हूँ। काश तुम मेरी माँ से मिली होती। मेरे लिए बुन रही हो क्या? नहीं, पर नाप तुम ही से लूंगी। उसकी फीस लगेगी, मेरे लिए भी एक बुनना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं। तुम तो खामखा में सीरियस हो गई, मैं मजाक कर रहा था। I was just joking.
मैं एक्चुअली स्वेटर पहनता ही नहीं, मैं फ्लीस पहनता हूँ। पर अभी तो तुमने स्वेटर ही पहना है। देखा, अंधे की बात पे क्या एतबार, सोचो तो कुछ और कर रहा होता हूँ और हो रहा होता है बिल्कुल उल्टा। फिशिंग करने का आइडिया पूरा था। जो आदमी मछली खाता ही नहीं उसे मछली पकड़ने का फायदा क्या, खामखा मछलियों को भी तकलीफ। आनंद, क्यों मुझसे वो सब कराती हो जो मुझे पसंद ही नहीं? तो तुम्हें क्या पसंद है? चले यहाँ से। कोई ऐसी दोस्त है जिसे तुम मिलना चाहोगे? दोस्त? मेरे कोई दोस्त वोस्त नहीं है। तो फिर कोई ऐसा जिसकी तुम्हें फिक्र हो? हाँ, एक। लफ्जों में ढल के दिल से मचल के तारीफ तेरी मेरे लब पे आई। दिलकश बहुत है दुनिया में लेकिन सबसे अलग दिलकशी तूने पाई। लफ्जों में ढल के दिल से मचल के का नशे मन सजा लूं तेरी खुशबुओं को मैं धड़कनों में बसा लूं। एक बार तुझको छू ले जो फिर वो पल भर न सह पाए
दर्द जुदाई लफ्जों में ढल के दिल से मचल के चंद लम्हे गुजारे तो फिर क्यों ना भूले हम जिंदगी के वो सारे मरने की आदत दिल को लगी थी जीने की तहजीब तूने सिखाई लफ्जों में ढल के दिल से मचल के तारीफ तेरी मेरे लब पे आई दिलकश बहुत है दुनिया में लेकिन सबसे अलग दिलकशी तूने पाई दिल से मचल के लफ्जों में ढल के Beautiful. कौन है वो खुशनसीब बहुत खूबसूरत होगी जिसकी तुमने इतनी तारीफ की है तारा मैं इन अंधेरों से बाहर निकलना चाहता हूं मैं फिर से देखना चाहता हूं क्या तुम मेरी मदद करोगे सच सच आनंद तुम्हारी मदद क्यों नहीं आनंद तुम ठीक हो जाओगे तुम क्योंकि तुम देखना चाहते हो God, I'm so excited. आनंद तुम यहीं रुकना मैं अभी आई तारा 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 एक मिनट तारा तारा रुको ए मुंशी जी क्या बात है बहुत खुश नजर आ रही मुंशी जी आनंद रियली हाँ कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं तुम्हारा इसकी कोई जरूरत हक तो नहीं है पर क्या मैं तुम्हें ऐसा कुछ कह सकता हूँ कि तुम्हारा इरादा बदल जाए मैं नहीं चाहती कि आनंद मुझे कभी देखे उसके लिए इतना सब कुछ करने के बाद उसे जानने के बाद पर आपने मुझसे वादा किया था देखो देखो तुमने जो कुछ उसके लिए किया क्या उसमें कोई जज्बात कोई हमदर्दी नहीं है मुझे चलना चाहिए शायद उसे मेरी जरूरत हो उसे तुम्हारी जरूरत तो हमेशा रहेगी रोशनी रोशनी क्या तुम उसे कभी माफ नहीं करोगी अब मेरे जज्बात कोई मायने नहीं रखते पर इतना जान लो तुम आनंद के बारे में कि वो तुम्हारी तलाश में जरूर आएगा और उसे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं लेता फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा तो फिर मैं रोकूंगी उसे चाहे उसका दिल ही क्यों ना तोड़ दो हमारे बीच जो रिश्ता है वो दर्द का है और कुछ भी नहीं ये जो रिश्ता है ना तुम दोनों के बीच ऐसे ही रिश्ते के दर्द में जिंदगी भर तड़पाऊंगा चाहूंगा कि तुम दोनों हो उस दर्द से महफूज रहो दर्द भी तकदीर से है और दर्द ही तकदीर है आनंद के लिए भी और मेरे लिए भी तुम्हें देखने की चाह तो बहुत होगी ना ये सवाल तुम ना ही पूछो तो बेहतर है क्यों अपनी गलतियों के अंजाम को देखने से डरता हूं उस अंजाम पे शर्मिंदा होना अभी बाकी है
मेरे अपनों की जिंदगियां बर्बाद की हैं मैंने, उस शर्मिंदगी से हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना भी बाकी है। और प्यार? प्यार किया था मैंने, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का ख्वाब भी देखा था मैंने, बस यही था मेरा गुनाह। और अब अरमान है तो सिर्फ तुम्हें देखने का, तुम्हारी आंखें पढ़ने का। मेरी आंखें? तुम्हारी आंखों के जरिए तुम्हारे अंदर की गहराइयों को समझना चाहता हूँ, फिर चाहता हूँ उनके बारे में लिखना। क्यों? जो लिखना शुरू किया है वो खत्म तो करना होगा। एक कहानी अगर अधूरी भी रह जाए तो क्या? पर जिंदगी में कुछ भी अधूरा नहीं होता, हर चीज की अगर शुरुआत है तो अंत भी है। तो फिर कैसा होगा मेरा अंत? एकदम शानदार। वो कैसे? The end for someone as beautiful as you has to be larger than life. I've been calling you for ages. Why aren't you picking up your phone? कहावत सुनी तुमने कि दूसरों के साथ वही करो जो नहीं, दूसरों से वही उम्मीद रखो जो उम्मीद दूसरे तुमसे रखते। जानना चाहोगे कि मैं अब तक कहाँ थी? नहीं, पर तुम बताए बगैर थोड़ी छोड़ोगी। नाराजगी की वजह जानती हूँ। निशा, मुझे तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त है, पर जो तुमने मेरी माँ के साथ किया वो बर्दाश्त नहीं। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं, क्यों यहाँ नहीं? कब लौटेंगी? मेरी शादी के बाद। हमारी शादी के बाद? न तुम्हारी न हमारी, मेरी शादी के बाद। क्या? तुम्हारी शादी? हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की के साथ। और हम? यानी तुम। प्यार करते हो ना तुम मुझसे? दीवाना था तुम्हारा, मगर अब तुमसे कितना मायूस। माय डैड। ओ, तो इस कहानी के विलन तुम्हारे डैड है। बचपन डैड के खौफ में गुजरा, हर फैसले में उनका दखल। शायद इस दखल को परवरिश कहते हैं। परवरिश के बहाने बच्चों के दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। मेरे साथ वक्त गुजारने की एक भारी कीमत थी। और वो धोबी और कसाई की कहानी तुम्हें चलाने के लिए, जब तुम मेरी जिंदगी में आए और तुमसे मोहब्बत होने लगी, फिर डर भी लगने लगा, इसलिए डैड से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उन्हें पता चल गया, और जानती हो, उन्हें बेहद खुशी हुई। तुमने बहुत देर कर दी निशा, आज रात को इंडिया में मेरी शादी होने वाली है। ऐसी लड़की के साथ जिसे मैं जानता तक नहीं। हमारा प्यार? उस प्यार को भुलाना चाहता हूं मैं। आनंद, दूर करना चाहते हो तुम मुझे तो कर दो, मगर इतना समझ लो कि तुम्हारे इंतजार करूंगी। कब तक? सारी जिंदगी। चाहो तू आजमा लो। इस बार मुझे रुस्वा मत करना। मेरा यकीन करें आप, मैं वादा बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं। अगर वादा तोड़ा तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम। प्यार करते हो ना तुम मुझसे? मां, मैंने निशा को अपने दिल से निकाल दिया। आनंद, आनंद, लास्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा,
तक खबर पहुंचाने की बहुत कोशिश की बेटा। आखिरी वक्त तो बस तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। आनंद, I'm really sorry for your loss. For our loss. Anand? Anand, bete. कहाँ जा रहे हो बेटे? Anand, stop! Anand! Anand, stop! Anand! सुकून मिलता है, शायद तुम्हें भी मिले। और तुम? इस वक्त तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। आंखों की रोशनी वापस पाती लौटा तुम। जैक किसी काम से गया है, आता ही होगा। अच्छी बात है, इसी बहाने हमें बात करने का मौका मिल जाएगा। बात तो गाड़ी में भी हो सकती है, लेकिन जो बात मुझे करनी है वो गाड़ी में नहीं हो सकती। तो फिर सवाल जरूर टेढ़ा होगा, लेकिन जवाब सीधा है। पहले सवाल पूछो। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? बोलो ना। मैडम, I'm so sorry, I encountered traffic. नहीं जैक, तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो। जैक, could you please help me to the car? जैक, thank you. Take me to the piano room, please. तुम आराम करो और मुझे घर जाने दो। Can you please take me to the piano room? तुमसे एक सवाल किया था। मेरी कहानी में किसको दिलचस्पी होगी? मुझे? हाँ, प्यार किया था कभी। तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं मेरे पास। जवाब नहीं है, जवाब दोगी नहीं। सोचा नहीं और अपने आप से कभी पूछा नहीं। फिर शायद होगा नहीं। पता नहीं। तारा, काश तुम मुझे पहले मिली होती। आनंद,
मुझे जाना है। इस वक्त मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। इजाजत नहीं मांग रही। तारा, जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी बदल गई है। जीने की राह मिली है मुझे। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम मेरी तकदीर का एक हिस्सा हो। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। उस दिन मेरे साथ मरने को तैयार थी, आज मेरे साथ जी नहीं सकती। आनंद बस कमरे में चलो। तारा, मेरा यकीन मानो, तुम मेरे साथ हो तो मैं आग थाम लूं और वो रात बन जाए, बारिश में चलूं तो जमीन सूख जाए और फिल्मी बातें करना बंद करो आनंद। तारा, तारा, तुमने जो मेरे लिए किया है वो कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे कभी अपना सकोगी? स्टॉप आनंद। तारा, लेट मी जस्ट फिनिश। आनंद, नॉट अनदर वर्ड। तारा, आई फील अ स्पेशल बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन अस। आनंद, होश में आओ। ना ही मुझे तुमसे प्यार है और ना ही कभी होगा। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तारा, नहीं आनंद, तुमने सुना नहीं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगी। नहीं तारा, तारा रुको, रुक जाओ तारा, रुक जाओ तारा, कोई नहीं मेरा किसी का नहीं, मैं दिल की यही है दास्तां। हम राह कोई अब कहां। निशा, तारा को रोको। तारा को रोको निशा। तुमने मुझे कैसे ही पहचाना? क्यों नहीं पहचाना, मैं अंधा थोड़ी हूँ। तारा, मुझे जी, जागी जागी यादें, नींद है ना चैन, सुनी सुनी रहना। वो हमें देख रहा था। He could actually see us. हमें देखकर उसने। तुम कौन हो? निशा। तारा, तारा कहाँ है? कौन तारा? तुम तारा को नहीं जानती? नहीं, क्या वो उसकी डॉक्टर है क्या? डॉक्टर? नहीं नहीं नहीं, लेकिन आनंद के लिए डॉक्टर से कहीं बढ़कर है वो, कहीं बढ़कर। Great place to tour. Wickets. Wickets is brilliant for batting. Yeah, yeah, for high scoring games like. Sort of crowd. तुम्हें शरीर क्यों नहीं? जब ठीक हो जाओ तो ले लेना बदला. Don't need a skipper. What can you say about the man? Brought the World Cup home in his home patch, like legend. Yeah. Yeah. Hey, look, the blind guy. What does he want? Where's that pretty walking stick of his? Do you mean that good? If you weren't blind, you'd pay dearly for your actions. What's the lot about? Next time you'll know how to behave with the lady. What was wrong with her behavior? She came to us. For what? Leave me alone. She did it for you. She did it to motivate you to see again. She wanted you to realize how important your vision was to face up to the challenges of life. It was all planned. The walk, the cup, everything. She's a great girl. She loves you. Aren't you William Porterfield? And you're Niall O'Brien? Yeah. Yeah. You guys did pretty well in the World Cup. You see it? I heard about it. I was blind, remember? It's good you can see again. Don't you ever let that girl go, especially after everything she's done for you. I'll try. Thank you so much. No problem, man. Don't worry about it. I'm sorry once again. No problem. All the best.
तेरे इर्द गिर्द गर्दिश करे रे मेरा हर ख्याल अब तो तुझे सोच सोच कर लम्हा लम्हा ये हुआ है हाल अब तो पल में सुकून पल में जुनून क्या इश्क ने दुआ मांगी तेरी लगन अगन लागी तेरी लगन अगन लागी तेरी लगन अगन लागी तेरी लगन अगन लागी जब तेरी धुन में झूमे मेरी निगाह यूं बेपनाह तेरे कदम को चूमे तेरे कदम को चूमे सुने सफर में गम की डगर में मुस्काए जैसे बैरागी तेरी लगन अगन लागी तेरी लगन अगन लागी तेरी लगन अगन लागी तेरी लगन अगन लागी आँखों को याद खुश रंग ख्वाब आए खुश रंग ख्वाब आए अब सुबह शाम एक तेरा नाम होठों पे आह लाए होठों पे आह लाए इस दिल के पास ख्वाहिश उदास यूं गहरी नींद से जागी तेरी लगन अगन लागी तेरी लगन अगन लागी को देके आवाज तुझको देके तेरे करीब फिर ये नसीब मुझको चला है लेके मुझको चला है लेके मिट जाए दूरी हो जाए पूरी दिल की मुराद मांगी तेरी लगन अगन लागी तेरी लगन अगन लागी तेरी लगन अगन लागी तेरी लगन अगन लागी ले जाओ इसे इसी वक्त ले जाओ इसे गेट आउट ओके Good. How are you? I envy you, man. I envy you too. तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी सक्सेस, और हाँ, I like your house as well. What about my love story? इस पर भी नाज़ है तुम्हें क्या? Could have been worse. Worse.
क्या इश्क का अंधापन या प्यार करके उसे खो देने का मेरा टैलेंट? तुम्हें अपनी कहानी पे ना एक किताब लिखनी चाहिए. मैंने नाम भी सोच रखा है, अनफॉरगेटेबल. हंसते होंगे लोग मुझ पे, जहां भी देखते होंगे बोलते होंगे वो देखो वो जा रहा है अपनी माँ का कातिल. समीर, मैंने जो माँ के साथ किया है उसके लिए मैं माफी के लायक ही नहीं. पर आनंद, मरने से पहले माँ ने तुम्हें माफ कर दिया था. फरहान, जल्दी कीजिए, सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं. समीर, कहाँ थे तुम सुबह से? गाड़ी की डेकोरेशन क्यों नहीं हुई अब तक? हांडी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक टाइम पे हो जाएगा. बस आप इमेजिन कीजिए, आपका शहजादा इस गाड़ी में. जब बैठेगा तब मानूंगी. आनंद को ठीक वक्त पर शादी के मंडप में पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है. मैं आपसे वादा करता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करें. फिक्र तो है तुम्हारी नहीं, उसके बाद देखिए. रोशनी को कोई अंधा ही ठुकराएगा. आंटी, प्लीज डोंट वरी सो मच, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. एयरपोर्ट समय पे पहुंच जाना. यू नो आई वोंट लेट यू डाउन. चिंता मत कीजिए, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा. उसने मुझसे वादा किया था, एक बार क्या था मुझसे. आंटी, समीर, मैं आनंद की आवाज सुनना चाहती हूँ. प्लीज बेटा, मैं एक बार उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ. आंटी, उसका फोन ऑफ है. इन आखिरी लम्हों में एक एहसास है, रोशनी से बेहतर पत्नी और साथी मेरे बेटे को नहीं मिल सकती. आंटी, प्लीज डोंट वरी, हम इतना बदनसीब नहीं है कि वो रोशनी को ठुकराए. जरूर जरूर कोई बात हुई होगी. हाँ, माँ के लिए शादी तो करने को तैयार हो गया, लेकिन आप भी दिल से किसी और की आवाज सुनाई देती है. वो आपकी आवाज सुनते ही ना भागा भागा आएगा. आनंद, आनंद, मैंने तुझे माफ किया. जिंदगी भर मेरे जमीर पर ये बोझ रहेगा कि मेरी मां की मौत की वजह में खुश नसीब हो कि तुम्हारी मां ने तुम्हें माफ कर दिया, वरना तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलती. मां के आखिरी वक्त में तुमने उनका साथ दिया, तुम्हारा एहसान है मुझ पर.
Yes, operator, the name is Tara Sehgal. Yes, Sehgal. All right, thanks. Bhool jao se, Anand. Chali gayi hai wo hamari zindagi se. वो यहां सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई थी. तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी मिल गई तो वो यहां से चली. ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं जिसे भी चाहता हूं वो मुझे छोड़ के. आने का शुक्रिया. आनंद, I'm sorry about your mother. सब मेरी ही गलती थी. और अफसोस इस बात का है कि जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं यहाँ थी भी नहीं. Where were you, Nisha? स्विट्जरलैंड में चुप कर तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रही थी. सोचे कि तुम्हारी शादी हो गई होगी. फिर इस अनहोने के बारे में सुना. तुम्हें अंदर नहीं देख पाती. फिर तुमने मुझे पहचाना और लगा कि जब मैं लौटी सब ठीक हो गया. ठीक निशा, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कितना भी पछता लूं, लेकिन तेरी मां मुझे वापस नहीं मिल सकती. आनंद, उस तरफ घोड़ों का सबल है. निशा को राइडिंग का शौक है. आनंद बाबू, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा. मशहूर लोगों की मशहूर बातें. तो आप इतना जान लें कि इन मशहूर बातों में जो भी आपने मेरे बारे में अच्छा सुना है उस पर यकीन ना करें. यकीन सिर्फ उस पर करें जो भी आपने मेरे बारे में बुरा सुना है. मुझे ये सब जानना जरूरी है क्या? आनंद बाबू, लोगों की नजरों में मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं. लोग तो यूं ही बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं. या तो फिर आप मुझे कुछ और ही समझाना चाह रहे हैं. मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं विजय मल्होत्रा, जिसका खौफ 10 मुल्कों में, जिसके मुंह से निकले हुए हर लफ्ज को लोग अपना हुक्म समझकर मानते हैं, आज आप जैसे ईमानदार इंसान के सामने झुक गया बस इसी उम्मीद पर कि आप मेरी बेटी को अपनाएंगे, उसे स्वीकार करेंगे. ये सब कहकर आप मुझ पर किसी तरीके का जोर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर आप इनकार कर देंगे तो ये मेरी बेटी की बदकिस्मती होगी, आपकी नहीं. मुझे बस यही लगेगा कि मेरे इस मनोसाय ने मेरी बेटी की जिंदगी में भी अंधेरा भर दिया. अच्छा, हाय
तुम्हारा ही खुशबुएं हैं, ठीक उन्हें दिशा से। जाओ आनंद, तुम्हें मैंने अपनी प्यास से आजाद किया, हमें तक देर ना मिला सकी। I'm sorry, Nisha. Anand, तुम मेरे लिए बहुत खास हो और रहोगे, पर फिर भी इस बात को भुला ना सकूंगी कि तुमने मेरी खातिर बहुत कुछ खो दिया। नहीं निशा, मैंने जो भी कुछ खोया है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, कोई और नहीं, तुम भी नहीं। अनंत, क्या अभी भी मेरी हिंदी बोल रही है? हिंदी अच्छी, बहुत अच्छी, पर उससे भी अच्छा है तुम्हारा दिल। Excuse me. Yeah. Need to inquire about a psychologist registered by the name of Tara Sehgal. क्या उनसे कोई शिकायत है आपको? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं। फिर क्या जानना चाहते हैं आप? वो एक्चुअली मैं उनको जानता हूँ और उनसे कोई सलाह लेनी थी, लेकिन अब उनका पता नहीं मिल रहा। अच्छा, नाम फिर से बताइए। तारा सहगल, ये उनके नाम की स्पेलिंग। सहगल से शुरू करते हैं, राइट? नो, तारा से देखते हैं। मुझे लगता है वो यहाँ की नहीं है। आपको पूरा यकीन है? मेरी जोड़ी है, इसे तो है, और इस पर सभी लोग यकीन करते हैं। राइट, थैंक यू। यू आर वेलकम। मुंशी जी। हाँ आनंद, कहाँ हो? क्या आप भी तारा को ढूंढ रहे हो? मुझे पुलिस में रिपोर्ट करानी होगी। पुलिस? किस बात की रिपोर्ट? मुंशी जी, तारा हमारे घर से निकली और उसके बाद गायब हो गई। क्या पता उसका एक्सीडेंट हो गया हो। आनंद आनंद, यूं हर चीज को खौफ से नहीं देखा करते बेटे। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? What? कैसी बात? कोई ऐसी बात जिससे सुन के मुझे तकलीफ हो? क्या हुआ आनंद, चुप क्यों हो गए? तारा, मुश्किल है। मैं नहीं तो आप? अब मुश्किल होगा बेटे, हमारी जिंदगी से दूर जा चुकी है, बहुत दूर।
अंधेरा ही रहने दीजिए। क्यों? अंधेरों में रहने की आदत सी हो गई है मुझे। एक अरसे से तुम्हारे परिवार के साथ जुड़ा हूं, इस तरह की बातों से बहुत दुख होता है मुझे। आप खुद को इस परिवार का दोस्त मानते हैं या फिर नौकर? नौकर ही बन के आया था, फिर अपने आप को दोस्त समझ बैठा। बेटे जैसा प्यार करने का दावा करते ना आप? वो आपके पिता मेरे बड़े करीबी दोस्त थे और करीबी दोस्त का बेटा अपने बेटे जैसा, उसी दोस्त की बीवी अपनी बीवी जैसी। आनंद, कहीं शराब तो नहीं पी ली है तुमने? तो मत लगा रहे हैं मुझ पे क्या? नहीं, अब अगर आपकी आपकी इजाजत हो तो। इजाजत? आप एक काम कीजिए, आप हमेशा के लिए चले जाइए, मेरे वफादार। मुंशी जी, मुंशी, मुंशी, और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है अब? क्योंकि अब ना तो तुम वफादार रहे और ना ही नौकर। कहाँ है वो मुंशी? हाँ आनंद। ओ तो यही है वो अड्डा जहां पे तुम लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की थी? हाँ कौन सी साजिश? वही तो जानने का वक्त आ गया है। मन के अंधे हो तुम और शायद यही तुम्हारी असल तकलीफ है। अब तो अपनी आंखें खोलो और देखो सच्चाई को। आनंद तुम यहां क्या कर रहे हो? इनका कुछ खो गया है, ढूंढने निकले हैं। अपने आप से पूछो मेरा क्या खोया है? मेरी जिंदगी में घुसकर, मेरे दिलो दिमाग पर छाकर खुद गायब हो गई। ये अदा मैंने तुम ही से सीखी है और अब तुम ही पे आजमा रही हूं। मुझसे पागल हो गई हो क्या? हां, पहले मुझे दुल्हन बना के मंडप में बिठाया और फिर निकल गए किसी और की तलाश में। तुम रोशनी हो। मुबारक हो मुंशी जी, लगता है कि अब आनंद साहब को सब साफ नजर आने लगा है। अब थोड़ी ही देर में इनके पंख उगेंगे और फिर ये हमेशा के लिए उड़ जाएंगे। मेरा यकीन करें आप, अगर इस घर में कोई बहू बन के आएगी तो सिर्फ रोशनी होगी। अगर वादा तोड़ा तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम।
अंधा ही रहने दिया होता मुझे। नहीं आनंद बाबू, आप कैसी बातें करते हैं? आपकी आंखों की रोशनी के लिए तो मैंने बेताबी से इंतजार किया है। मेरी आंखों की रोशनी के लिए? कौन है आप? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं दिवेन हूं। रोशनी? हाँ, मेरा मतलब है तारा। तुमने कभी इनको मेरे बारे में नहीं बताया? तारा कौन है? रोशनी, आनंद बाबू कुछ पूछ रहे हैं, इन्हें बताइए कि हम कौन हैं। तारा चुप क्यों? कौन है ये बताओ। ये देवेन है। हाँ देवेन है, मैं जानता हूं, लेकिन उसके अलावा और क्या है ये? देवेन मेरा पति है। तुम्हारा क्या है? टूटे जैसे हम यूं तारा भी न टूटे, उम्मीद दिल की लुट गई। टूटे जैसे हम यूं तारा भी न टूटे, उम्मीद दिल की लुट गई। एक रोशनी थी बुझ गई, सुनी सुनी रहना खोए खोए नैना, जागी जागी यादें नींद है ना चैना। सुनी सुनी रहना। अब नजरें भी नहीं मिलाओगे? तुम्हारी अमानत। आज मुझे इसकी जरूरत है। यतीमों के आश्रम में परवरिश हुई है मेरी। तुम्हारी माँ वहां की ट्रस्टी थी। एक लड़की है रोशनी, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा। वो मुझे घर भी ले गई। काश काश रोशनी मेरी बेटी होती। वही घर पे मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी। उन तस्वीरों में तुम्हें बढ़ता देखा, तुमसे लगाव सा हो गया था, मिलने की चाह भी हुई, पर तुम नहीं आए। तो क्या चाहते हैं आप? मतलब मैं रोशनी से शादी कर लूं और बहू बना के उसको घर में ले आऊं? और वो सपना चूर हो गया। इन आखिरी लम्हों में एक एहसास है, रोशनी से बेहतर पत्नी और साथी मेरे बेटे को नहीं मिल सकती। तुम्हारी माँ के मौत के बाद मैं एक बार फिर यतीम हो गई। तब देवेन ने मेरा हाथ थामा। जब मुंशी जी ने मुझे तुम्हारी चोट के बारे में बताया तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारी मदद करने का जी चाहा। उसकी हर तकलीफ दूर करने आई हूँ मुंशी जी। अब तो हर उम्मीद तुम्हें से है तारा। पर जब देवेन से बात की तो ऐसा लगा जैसे कोई तूफान सा उठ गया। नहीं, तुम नहीं जा सकती वहां पे, खास करके आनंद जैसे इंसान की मदद करने। निर्मला आंटी के प्यार का कर्ज है मुझ पर। रोशनी वो कोई भलाई नहीं कर रही थी, उनका स्वार्थ था उसमें, वो अपनी बहू की देखरेख कर रही थी। अपनी बातों से मेरी सोच छोटी मत करो। तो जाओ जाओ, पेश कर दो अपने आप को संधे पर, यही चाहती हो ना तुम? देवेन मुझे आनंद की मदद करने दो। He has got his entire life in front of him. और मेरा क्या रोशनी? वापस तुम्हारे पास ही तो आना है और फिर
तुम्हारे जैसा प्यार और कौन देगा मुझे? और तुम्हारे प्यार का क्या? वो किसके लिए है? देवीन, मैं तो उसे जानती तक नहीं। तो जान जाओगी, हो सकता है प्यार करने लगो। ये क्या इल्जाम है? So prove me wrong. Proof? How? जाने से पहले शादी कर लो मुझसे। ये पागलपन है। पागली तो हूँ तुम्हारे प्यार में। और उसी रात एयरपोर्ट जाते हुए हम दोनों ने शादी कर ली। मेरी फ्लाइट भी मिस हो जाती। अब वो मुझे लेने आया है। तो क्या चली जाओगी उसके साथ? शादी की है हमने, पति है वो मेरा। शादी हुई है, रुखसती तो नहीं? दीवानों की तरह मरता है मुझ पर। और भी मरते होंगे तुम पर। उस तरह नहीं जिस तरह वो। कोई तुम्हारे नाम पे जीता है, कोई तुम्हारे नाम पे मरता है। मैं यहाँ तुम्हारी माँ के लिए आई थी। तो हमेशा के लिए रुक जाओ, उसी माँ की खातिर। तुम्हारी खातिर रुक जाती, पर तुम नहीं आए। तो अब आ जाऊंगा, कर लो मुझसे शादी। तुम्हारी खातिर दो बार शादी का जोड़ा पहना है मैंने, अब तीसरी बार मुमकिन नहीं। अफसोस, मगर अफसोस। देवेन एक अच्छा इंसान है। अब और भी अफसोस। नाइस नॉट लवेबल, कुड मीन अ लाइफ नॉट लिवेबल। वो मेरा दर्द समझता है, क्योंकि वो भी मेरी तरह यतीम है। तो आज से मुझे भी यतीम समझो। उससे शादी करना मेरे भाग्य में था। दुर्भाग्य। क्या भाग्य? तुम्हारा प्यार किसके भाग्य में? हमेशा गलत वक्त पे आते हैं। तुम्हारा दीवाना। आनंद, अब हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं। इस बात से तुम अपना दिल बहला लो। All endings cannot be happy. Ours could be. The saddest endings are the lot for the classics. Classics don't come around that often. अपनी शादी में जरूर बुलाना। क्यों आओगी तुम? क्योंकि तुम मेरी शादी में नहीं आए। बदला लूंगी इस बात का। एक अंधेपन ने रोक रखा था मुझे। Stop it, Anand. Can't stop loving you. पाप है मेरे लिए ये सब सोचना। वो तुम्हारा प्यार फुलाना मेरे लिए उससे भी बड़ा पाप है। आनंद, तुम्हारा नाम आखिरी बार ले रही हूँ। तो फिर जश्न मनाओ एक ऐसी जिंदगी का जिसके फैसले तुमने भी एक अंधेपन में लिए। आनंद, इस नाम पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। जा जा रे जा रे जा रे जा 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 रे जा रे जा रे जा जा रे सजना जा रे जा रे जा रे जा 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 रे जा रे जा रे जा जा रे। एक अरसे के बाद देखा है तुम्हें ऑफिस में। मैं आपसे मिलने आया। घर आ गए होते। मैं घर गया था पर आप मिले नहीं। और जो ढूंढ रहे थे क्या वो मिला? मैं आपसे माफी मांगने आया। तुम्हारी माँ के बारे में यह जानना बहुत जरूरी है आनंद, कि मैंने अपने दिल की बात हमेशा अपने दिल में रखी और यूं ही सारी जिंदगी गुजार दी। मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं। मैं तो बस नसीहत दे रहा हूं कि तुम्हें
तुम्हें एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए जो तुम्हें प्यार कर सके। चाहे मैं उससे प्यार करूं या ना करूं। बेटे आनंद, मोहब्बत बिना जिंदगी एक दर्द है और एक अजाब भी। मोहब्बत एक अजाब ही तो है। खुश है खुशी अब हमसे, ना खुश है खुशी अब हमसे, सजना हम हमसे हारे सजना, तू कुछ ना समझा रे, जा जा रे जा रे जा रे जा 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 रे जा रे जा रे जा। डैड, इसका दोष आप आनंद को नहीं देंगे, प्लीज। ठीक, आनंद को कोई दोष नहीं दूंगा। शरीफ आदमी, उसका मोल जानता हूं मैं, इसीलिए तो गया था मैं उसके पास तेरी खुशियों की भीख मांगने। विजय मल्होत्रा, जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका। I really love you. And I love you too. Anand, तारा आई थी बेटा। मुझे ये आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने मना किया था। ये छोड़ गई है तुम्हारे लिए। आनंद, उस दिन यूं ही चले गए, नाराज हो गए। तुम्हें एक बार फिर मिलना चाहा। तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, चाहे कहीं भी रहूं। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेगी, आखिरी धड़कन तक। बेटे आनंद, तारा ने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया वो बिना प्यार के मुमकिन ही नहीं है बेटा। मुझे इस वक्त तारा कहां मिलेगी? अभी उसका फोन आया था, अभी घर पे है, लेकिन कुछ देर में एयरपोर्ट के लिए निकल जाएगी। मुझे उससे मिलना होगा। क्या कहोगे उससे? मैं नहीं जानता मैं उससे क्या कहूँगा, शायद कुछ नहीं, लेकिन मिलना जरूरी है। तो फिर जाओ बेटा, जल्दी जाओ, जाओ। उसकी फीस लगेगी। ये मुमकिन नहीं। यकीन नहीं आता था मैं तुमसे दोबारा कभी मिलने का। So what is it?
that you want to believe? It's not what I want to believe. It's about what I want to hear. And what is it that you want to hear? Vijay, I can see him. What are you waiting for? Get him. एक बार तुम कह दो कि सिर्फ एक बार. आनंद. तारा. 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 तारा क्या हुआ? What happened? Jack! Call the ambulance now! Yes, sir. Yes, sir. It's gonna be good. इंसान को अपने जिंदगी का मकसद बनने के बाद अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि रास्ता बदलने से दर्द मिलता है. सबसे अब बेजार हुआ दिल, सबसे अब बेजार हुआ दिल. तू ना मिले तो फिर क्या हासिल, तू ना मिले तो फिर क्या हासिल. मितवा सुन ले सरारे, मितवा सूरत दिखा जा रे, जा जा रे जा रे जा रे जा 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 रे जा रे जा रे जा जा रे. अधूरी भी रह जाए तो क्या? पर जिंदगी में कुछ भी अधूरा नहीं होता. हर चीज की अगर शुरुआत है तो अंत भी है. तो फिर कैसा होगा मेरा अंत? सुनी सुनी रहना, खोए खोए नैना, जागी जागी यादे, नींद है ना चैना. सुनी सुनी रहना. Police.
Keep us apart.